And it's match time. VK! विराट प्रैक्टिस कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है बहुत स्पेशल डे। आज इंडिया अफगानिस्तान का मैच है, तो हमारा वर्ल्ड कप का फर्स्ट मैच है। आज तक हमने वर्ल्ड कप का मैच देखा नहीं है, तो मैं और सिद्धांत आ गए हैं इंडिया को सपोर्ट करने। सिद्धांत तो बहुत बड़ा फैन है विराट कोहली का, तो फुल सपोर्ट करेगा आज विराट कोहली को। एनी मैसेज फॉर विराट कोहली? यार, कुड बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप मैच, आई कुडंट हैव मिस दिस। मैं मैनिफेस्ट कर रहा था पिछले एक महीने से कि यहाँ टिकट्स मिल जाए कैसे भी, एंड फाइनली इट हैपेंड लास्ट नाइट कि हमें टिकट्स मिल गई। एंड आई कांट बी मोर एक्साइटेड, विराट कोहली का आखिरी वर्ल्ड कप मैच है। वो अभी पप्पी मेट्रो से बाहर निकले हैं, तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, ज़बरदस्त क्राउड है और अलग ही फीलिंग है, मज़ा आने वाला है। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है, ज़बरदस्त भीड़ है, फुल फीलिंग है इंडिया को सपोर्ट करने वाली, अलग ही फीलिंग होती है। आईपीएल का मैच देखने में आया था। मोक्ष भाई मिल गया। हेलो मोक्ष। एंड इट्स मैच टाइम, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, स्पेशल फीलिंग। तो इंडिया की टी शर्ट ले लिया, फुल सपोर्ट है इंडिया को आज। स्टेडियम तो खाली लग रहा है, धीरे धीरे लोग आते हैं। एंड वी आर एंटरिंग द स्टेडियम। अमेजिंग यार, अमेजिंग। वीके विराट प्रैक्टिस कर रहा है यार, विराट को देखना स्पेशल फीलिंग है। और मैं ईशान किशन, अभी तो ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है, धीरे धीरे भरेगा क्योंकि धूप है। आज विराट कोहली को देखा है, कैसा फीलिंग है भाई? बहुत जबरदस्त फीलिंग है, देखा तो बहुत बारी है, बट यार आज थोड़ा डिफरेंट है, आज थोड़ा इमोशन डिफरेंट है। इस लास्ट मैच एवरीथिंग, मतलब वर्ल्ड कप का बेसिकली लास्ट मैच दिल्ली में, आई डोंट थिंक इसके बाद इंडिया में कोई वर्ल्ड कप है 10 साल तक। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, मतलब हाँ ये लास्ट मैच हो सकता है विराट कोहली का, लास्ट मैच हो सकता है वर्ल्ड कप का, और दिल्ली में पता नहीं अगला वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं खेलेगा, तो देखते हैं, मज़ा आने वाला है। अभी चल रही है टीम बैटल, तो मैच शुरू होने वाला है, टॉस होगा, 1:30 बजे टॉस है, 2 बजे मैच शुरू है। थोड़ा पहले आ गए थे हम कि थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन वगैरह एंजॉय कर पाएँ, देख पाएँ सारी चीज़ें, बहुत अच्छा माहौल बना रखा है। टॉस टाइम, स्पेशल फीलिंग है, स्पेशल फीलिंग, अमेजिंग एटमॉस्फेयर, इंडिया का फ्लैग भी बिल्कुल आंखों के सामने है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। सिद्धांत, हाउ इज द फीलिंग? आइकॉनिक, बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक। इंडिया का फ्लैग देख के कैसा फील हुआ? गूज़बम्प्स, लिटरली गूज़बम्प्स यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एक इमोशनल बैक फीलिंग भी है, प्लस वर्ल्ड कप अपनी कंट्री में, बहुत ज़्यादा बड़ी फीलिंग है यार, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा। अमेजिंग यार, अमेजिंग एटमॉस्फेयर।
रोहित भाई 95 पे खेल रहा है। 100 मार दिया, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है रोहित, मजा आ रहा है, इंडिया मैच जीतने वाली है, लगता है विराट कोहली जितवा देगा। नवीन लोग और केएल राहुल, मैच फाइनली नवीन लोग और विराट कोहली का दोबारा से पैचअप हो गया। आशित भाई भाई खत्म हो गया मैच, मजा आ गया, इंडिया जीत गया। ऑन टू नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है इंडिया पाकिस्तान। खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। वर्ल्ड कप में आने वाले मैचेस में अगर और अपॉर्चुनिटी मिली तो हम जरूर आएंगे और शूट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।